इसलिए मुझे डर लग रहा है, मेरे दो बच्चे घर मतलब। हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से नेचर गाइड हूँ। और आज जो मेरे साथ सीन हुआ था पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, वैसे अभी मैं जंगल से बाहर आ चुका हूँ सफारी से, और अभी मैं अपने घर के आसपास हूँ, ड्रेस मैंने चेंज कर ली है। तो आज का जो सीन था सफारी में बहुत ही अजीब था। हम सफारी पर जा रहे थे, जो हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की एक फेमस रोड है, बड़ी पक्की बड़ी कच्ची पटरी, हम उस पर चल रहे थे। तो नॉर्मली हम अपनी स्पीड में चल रहे थे, नॉर्मल स्पीड में जो भी रहती हमारी। तो उसके बाद टाइगर जो था वो नहर की साइड से बैठा हुआ था पानी में, और जैसे ही हमारी जब जिप्सी चल रही थी उसने कुछ जब वॉइस की झटके लगने से, तो टाइगर तुरंत एक्टिव हो गया। और जैसे ही टाइगर थोड़ा सा हिला डुला, उसने मूवमेंट की, तो पेड़ पे और भी बंदर थे, उनको देख के तुरंत मंकी ने कॉल करना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने कॉल सुनी तुरंत गाड़ी रुकवा दी, पर जैसे ही हमने जहाँ गाड़ी रुकाई थी टाइगर उससे थोड़ा आगे पानी में बैठा हुआ था, और वो उठ के तुरंत ही हमारी तरफ बढ़ गया। और उसके बाद बाहर आया वो ओपन में, और ओपन में आने के बाद उसने थोड़ी देर हमको देखा और वो फिर से दोबारा पानी में जाके बैठ गया। अब हम उसको देख रहे थे कि पानी में ये चले गया, बट पानी से थोड़ा आगे और भी झाड़ी थी, और उस झाड़ी में हमें नहीं पता था कि वहाँ पे पहले से ही कुछ गाय या किल जो भी था वो पड़ा हुआ है। हम उसको नॉर्मली देख रहे थे कि ये पानी में गया, उसके बाद वो झाड़ी को जाके बड़ा झाड़ी को हिला रहा था, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो झाड़ी में क्या कर रहा है। तो हमने थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाया, जब एक अच्छा एंगल बनाया तब हमें समझ में आया कि वह झाड़ी में कुछ है। एक सड़ी हुई गाय थी जो मेरे हिसाब से 15-20 दिन से ज़्यादा रही होगी, तो वो उस गाय को खींच खींच के निकाल रहा था। लगभग उसने 15 मिनट ट्राई किया, और 15 मिनट बाद उस गाय को खींच के वो बाहर ले आया, और बाहर लाने के बाद उसको साइड से ले जाके खाता रहा चबा चबा के। बट वो उतने अच्छे शॉट्स नहीं मिले क्योंकि वो एंगल नहीं बना था, क्योंकि टाइगर कभी भी किसी किल को ओपनली नहीं खाता है, कहीं ना कहीं घास में छुपा के खाता है। तो वो घास में बैठ के उसे खाता रहा काफ़ी देर तक। और बाकी जो आज की जो साइटिंग थी वो दो टाइगरों की साइटिंग थी, एक मेल टाइगर और एक फीमेल टाइगर। मेल टाइगर की तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, बट जो फीमेल है उसकी फ़ोटोज़ मिलेंगी। बाकी इस समय पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल बहुत अच्छा चल रहा है, और लास्ट टाइम 25 जून को टाइगर रिजर्व बंद हो जाएगा। तो 15 नवंबर से अब अगला सीज़न चालू होगा, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको जंगल सफारी कराने के लिए हम रेडी हैं। और नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आपके काम आएगा। कॉल करेंगे तो आपको एडवांस गाड़ी मिल जाएगी, सारी जानकारी एडवांस में मिल जाएगी, टाइमिंग क्या रहती है सब पता लग जाएगा, क्योंकि जो टाइमिंग है यहाँ पर वो आगे पीछे चलता रहता है सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। बाकी आप नंबर सेव कर लीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर फॉलो सब कुछ करिए। इसलिए मुझे डर लग रहा है, मेरे दो बच्चे घर मतलब हम तो आए, मुझे भी डर लग रहा है। नहीं देखा तुमने शायद, इतने ध्यान से देखा नहीं था मेरा पड़ोस का, वो अभी भी फेस है दीवार में है। हाँ चलो भाई, बहुत गाड़ियाँ पीछे हो गई, दम निकल जाएगा। देख ले भाभी घर से रोक तो हम